दोस्तों, डीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक नए चैप्टर की समरी यानी इंट्रोडक्शन समझाने वाली हूँ और ये नया चैप्टर है पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी जो एलिमेंट्स के जैसे जैसे इनकी डिस्कवरी हुई थी, जो जो साइंटिस्ट ने इनके बारे में बताया था, क्यों किया था, कैसे किया था, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वाले वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। देखो मैटर अराउंड अस, यानी जो मैटर्स हैं हमारे आसपास में, मैटर्स मिलते ही हैं, है ना, जैसे हवा के फॉर्म में या फिर पोल्यूशन के फॉर्म में, गैसेस के फॉर्म में, जितने भी सामान रखे हुए हैं सारे क्या है, मैटर्स में है ना। चेयर, पेन, कॉपी, ये बोर्ड हो गया, हर चीज़ क्या है, मैटर है ना। लेकिन सारे मैटर जो होते हैं वो किसी ना किसी फॉर्म में होते हैं, चाहे वो एलिमेंट के फॉर्म में हो या फिर कंपाउंड के फॉर्म में हो या फिर वो मिक्सचर के फॉर्म में हो, है ना। तो ये जो एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, ये होता क्या है, कैसे इसकी खोज हुई, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, तो ये सारे चीज़ें एक एक साइंटिस्ट जब आते गए, उन्होंने नई नई चीज़ें बताते गए, उसके बाद में लास्ट में इनके बारे में पूरा जो सारणी बनाई गई, टेबल बनाया गया, सबसे बाद में बनाया गया, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या किया, लगभग अभी तक 118 एलिमेंट जो है, 118 एलिमेंट अभी तक पता चल चुके हैं, है ना। और ये सारे जो एलिमेंट हैं वो अलग अलग प्रॉपर्टी रखते हैं, मतलब हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी अलग अलग है, ठीक है। इसके साथ में ही जो सबसे पहले जो एलिमेंट निकाले गए थे, मिले थे जो पहले, वो 98 एलिमेंट थे, जो कि नेचुरली हमें मिल गए थे, मतलब ज़्यादा इसमें वो नहीं करना पड़ा था डिस्कवरी, हमें नॉर्मल डिस्कवरी से हमको ये प्राप्त हो गए थे, कौन से 98 एलिमेंट लगभग, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट डिस्कवर्ड, अलग अलग तरह के जो एलिमेंट थे वो अलग अलग तरह के अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर्ड किए गए, है ना। मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, है ना। और उसके बाद में जैसे जैसे एलिमेंट्स के बारे में डिस्कवरी की गई, वैसे वैसे हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी निकाली गई, और हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो थी वो सेम नहीं थी, बिल्कुल सेम नहीं थी, सब एलिमेंट की प्रॉपर्टी चाहे थोड़ी अलग हो पर सबकी एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो थी वो अलग अलग थी। तो फ्रेंड्स, इतने ढेर सारे एलिमेंट्स थे अपने पास में, लेकिन इन एलिमेंट्स की डिस्कवरी भी तो करनी थी, इन एलिमेंट्स को कैसे निकालना है, कहाँ कहाँ से फाउंड करना है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती थी, और बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हुई भी है। जो साइंटिस्ट डिस्कवर कर रहे थे अलग अलग तरह के एलिमेंट, उनके बारे में बता रहे थे, और सही या गलत उसमें भी हो रहा था, कुछ फेल हो रहे थे, कुछ पास हो रहे थे, तो उसमें हर एक एलिमेंट के बारे में जो प्रॉपर्टी बताई थी वो सारे चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रोसेस लगता था, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती थी, है ना। इसके साथ में जब इतने ढेर सारे एलिमेंट हो गए, अब हर एक एलिमेंट को अलग अलग तो हम पढ़ नहीं सकते, कुछ ऐसा टेबल या कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कोई चीज जो कि क्या करे, जो कि पूरे चीजों को एक साथ में रखे, पूरे एलिमेंट को एक साथ में रखे। तो उसके लिए साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया, उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसे एलिमेंट को एक साथ में रखें जो कि साथ साथ में एलिमेंट रखने से एक नया टेबल बन जाएगा। तो उसके लिए इन्होंने एक नया स्टेप निकाला, क्या किया इन्होंने, मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ चार्ज, है ना। इन्होंने क्या किया कि अलग अलग तरह के ऑर्डर बनाने स्टार्ट किए। ऑर्डर बनाने के लिए सबसे पहले इन्होंने, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर जैसे बनाए, इसका मतलब है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि ऑर्डर बना रहे हैं, ऑर्डर मतलब क्या हुआ, है ना, मतलब कि जब टेबल बनाएंगे तो टेबल के लिए कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटी होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्टोर, आप किसी स्टोर पे गए हो या फिर किसी मॉल में गए हो या फिर कहीं किसी शॉप पे गए हो, वहाँ पे आप जाते हो तो वहाँ जाने के बाद में अगर कहीं सॉप्स रखे हुए या फिर साबुन रखा हुआ तो वो एक जगह पर रखा होगा, है ना। साबुन में भी ऐसा होता है ना कि नहाने का साबुन अलग है, कपड़े धुलने के साबुन अलग है, निरमा अलग रखा हुआ है, शुगर रखा हुआ, चीनी रखा हुआ वो अलग रखा हुआ है, इसी तरह से जैसे बिस्किट रखी हुई है, नमकीन रखी हुई है, जो जो चीज़ें भी तुम्हें स्टोर पे हर चीज़ मिलती है वो अलग अलग जगह, ऐसा नहीं है कि जहाँ पे साबुन रखा है वहीं बिस्किट रख दिया, वहीं पे नमकीन रख दिया, ऐसा तो नहीं रखते ना। अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें रखी जाती हैं, अलग अलग रैक में रखी जाती हैं, अलग अलग जगह पे पूरा ऑर्डर बना के रखते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को दिमाग लगा के यहाँ पे एलिमेंट्स में यूज किया गया। एलिमेंट्स में क्या किया गया, जैसे कि हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, इस तरह के जो सारे एलिमेंट्स थे, है ना, और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन एलिमेंट्स को, सारे एलिमेंट्स को एक जगह पे रखा गया, और उस एलिमेंट्स को ऑर्डर में लाने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया, है ना। और उसमें भी
उन्होंने किया क्या, उन्होंने क्या किया कि जो एलिमेंट, सारे एलिमेंट को एक साथ में रखा, उसमें जो एलिमेंट थे उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी को, जो मतलब सिमिलरिटी थी जिस एलिमेंट में प्रॉपर्टी की, उन एलिमेंट को एक ही जगह पे रखा। इसमें भी मेंडलीव ने इनमें बहुत ज्यादा हेल्प की। मेंडलीव के अभी हम आगे पूरी इसकी वो पढ़ेंगे आगे उसमें, तो यहाँ पे मैं आपको चूंकि इंट्रोडक्शन बता रही हूँ तो थोड़ा बहुत मैं आगे बता रही हूँ। कई साइंटिस्टों ने बहुत चीज हेल्प की, लेकिन आगे जब टेबल बनाना स्टार्ट किया तो मेंडलीव ने जब टेबल बनाया तो वहां पे सारे एलिमेंट्स के साथ में जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे उन एलिमेंट्स की जगह पे क्या छोड़ दिया, स्पेस भी छोड़ दिया और साथ में टेबल बनाया। कुछ चीजें सही गलत तो हुई हैं, लेकिन उसके साथ में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही है ये अपने आगे के मॉडर्न टेबल बनाने के लिए। ठीक है, तो ये था अपना क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी ये था अपना एक इंट्रोडक्शन नॉर्मल किस तरह से एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया था, किस तरह से एक नया टेबल बनाया गया था। ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसके बाद में जस्ट इसके अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डिस्कवर किया था वो सारे मैं आपको वन बाय वन बताते चलूंगी, तो वो वीडियो देखने के लिए आप अपने एंड स्क्रीन पर जाएं या फिर कार्ड में देख लें। धन्यवाद।